Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Welcome back to another vlog. आप लोग सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ. सो आज का सीन ऐसा है कि आज है 8 जनवरी और 3 दिन बाद जो है हमारी बर्थडे, यानी मेरी और मेरे हस्बैंड की. अगर न्यू ईयर व्लॉग वाला व्लॉग आपने देखा है तो उसे मैंने बताया था कि जी हमारी बर्थडे आती है 12 जनवरी को और दोनों की अल्हम्दुलिल्लाह. सो आज का सीन ऐसा है कि मैं जा रही हूँ बाज़ार, ठीक है, अपने हस्बैंड के लिए शॉपिंग करने. वहाँ पे भी देखती हूँ आपके लिए क्या क्लिप लेती हूँ और क्या नहीं, ठीक है. और जब तक ये व्लॉग मैं एडिट करूँगी तो मैं उनको सरप्राइज़ दे चुकूँगी, लेकिन मैं आप लोग के लिए व्लॉग करूँगी, ठीक है, क्योंकि इसको एडिट करने में 1 से 2 दिन लगता है. तो फिर मैं डालूँगी व्लॉग इंशाल्लाह ताला. और अभी भी वहाँ पर देखती हूँ मार्केट में क्या क्लिप ले सकती हूँ क्या नहीं. और आप लोग दुआ कीजिएगा कि मुझे डांटना पड़े, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे यहाँ ये होता है कि फैमिली में कि आप कैश ले लो, ठीक है, और आपके लिए जो भी आपको लेना है, ईद और बकरे की या नॉर्मल डेज में भी जो है आपको कैश दे देते हैं. शादी से पहले भी मैं सेव करती थी, मेरी सेविंग्स होती थी, और मुझे डांट पड़ती है हस्बैंड से. वो कहते हैं कि पैसे सेव करो, कुछ खर्च नहीं करो. और मैं क्या करती हूँ कि मुझे कुछ समझ आ रहा होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की एक बहुत बुरी आदत है, वो अपने लिए कुछ नहीं लेते, ठीक है. और मैंने अभी लास्ट जो है उनको जैकेट गिफ्ट करी थी, ठीक है, उनको लेकर ही गई थी मैं, और मैंने उनको गिफ्ट करी थी जैकेट, ठीक है, जिसकी वो जहाँ पहन के गए उसकी तारीफ हुई है. तो मेरा खून भर जाता है, मुझे बहुत खुशी होती है कि वो करें, क्योंकि वो अपने लिए नहीं करते, ठीक है. तो अब बस ये है, वो कहते हैं मुझे सेव करो, और मैं जाके जो ना उनके लिए कुछ ना कुछ ले लेती हूँ या उनके साथ चले जाती हूँ. अभी वो नहीं जा रहे, ठीक है, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ठीक है. और मैं बाजार जा रही हूँ, देखती हूँ क्या लेती हूँ क्या नहीं, फिर घर आके मैं आपको शो करवाऊंगी. आप लोग भी सबसे मेरे साथ चले, मैं जो क्लिप वहाँ पर ले सकूँगी वो आप लोगों के लिए लूँगी, और बाकी मैं शो करवाऊंगी आपको घर पर आके, ठीक है. और नेक्स्ट डे भी जो है मैं उनके लिए कुछ बना रही हूँ, कुछ अच्छा सा खाने में, ठीक है, वो भी मैं आपके साथ व्लॉग करूँगी, वो भी शेयर करूँगी. तो आप लोगों को क्या करना है, जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है. और अभी हम चलते हैं बाजार, चलिए मेरे साथ साथ. जी तो मैं मार्केट आ गई थी, क्योंकि विंटर है तो मैं कोई थोड़ी मोटे स्टफ में जो है वो शर्ट्स देख रही थी. बाकी मुझे कैजुअल भी लेनी थी तो मैं देख रही थी अभी तो, और उसका मैंने क्लिप ले लिया आपके साथ. और यहाँ पे चेक की शर्ट्स भी थी, बहुत अच्छी इनके पास वैरायटी थी, स्टफ भी अच्छा था. और बस मैं यहाँ पर देखूँगी, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे. तो फाइनली यहाँ मैंने पैक करवा लिया था, और आप मेरे साथ चलें घर, मैं घर जाके आपको दिखाती हूँ. अच्छा जी, मैं आ गई थी मार्केट से, और यहाँ पे मैंने जो है वो शर्ट्स ओपन कर दी हैं, अपनी पसंद से मैंने ली है. अब देखते हैं कि उनको कैसे लगती है. नहीं, ये थोड़ा शाइनी सा कपड़ा है, बहुत ही खूबसूरत सा, ठीक है. ये मैंने एक शर्ट ली है क्योंकि सर्दियाँ हैं, तो एक ये शर्ट मैंने ली है, और ये थोड़ा शाइनी सा इस तरीके का मेरे हस्बैंड के पास था नहीं, तो मैंने अपने आइडिया से ले लिया. आई होप कि उन्हें अच्छा लगे और वो ये पहने 12 को, ठीक है. तो ये मैं लेकर आई हूँ उनके लिए, ठीक है. बहुत प्यारा सा इसका सॉफ्ट स्टफ है, जिस तरीके वो सॉफ्ट पहनते हैं स्टफ, और क्वालिटी भी अच्छी है. एक ये मैं लेकर आई हूँ, और साथ ही ये मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी. कैमरे में पता नहीं कैसा लग रहा होगा, लेकिन ये रियल में इतनी प्यारी शर्ट है, इसका कलर बहुत प्यारा है, ठीक है. तो ये एक चेक की मैं शर्ट लेकर आई थी कैजुअल, ठीक है. मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, क्योंकि आपको मैं बता रही थी कि डांट पड़ती है मुझे, ठीक है. तो अभी जो है मैं बस यहाँ पर मैंने आपको शो करा दी, बस मैं इनको जो हूँ वो इसको आयरन कर दूँगी, इसको पैक कर दूँगी, ठीक है. और मैं उनको देखूँगी, फिर देखते हैं उनका रिएक्शन. और आगे मैंने उनके लिए खाना भी बनाना है 11 को, ठीक है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी. जब तक आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा.